यंगस्टर्स जिताएंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 इंडिया को, और जो बड़े बड़े सीनियर्स खिलाड़ी हैं अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का टाइम आ चुका है, ऐसा कहा जा रहा है क्रिकेटिंग पंडित द्वारा कि भैया अब जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको आप बाहर का रास्ता दिखाइए, जैसा आपने किया था 2007 की T20 वर्ल्ड कप में, जब आपने सचिन तेंदुलकर को नहीं खिलाया था, जब आपने सौरव गांगुली को नहीं खिलाया था, जब आपने राहुल द्रविड़ को नहीं खिलाया था और यंगस्टर्स को मौका दिया था, गंभीर को मौका दिया था, युवराज सिंह को मौका दिया था, MS धोनी ने कप्तानी करी थी और इंडिया को 2007 का T20 वर्ल्ड कप जिताया था। अब देखिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की 5 मैचों की T20 सीरीज कल खत्म हुई, जिसमें इंडिया ने 4-1 से विजय प्राप्त की और ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरी तरीके से हराया है। अब बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए, यशस्वी जायसवाल हाईएस्ट रन स्कोरर बने उस पूरी सीरीज के, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उन्होंने करी है, ऋतुराज गायकवाड़ 123 रन की पारी खेली है उन्होंने, सेंचुरियां मारी है, अर्शदीप सिंह आखिरी ओवर में 10 रन डिफेंड किए हैं, तो एक से बढ़कर एक यंगस्टर हमारी टीम के पास जरूर मौजूद है, बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है, IPL में इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इनका, तो अब सारे ही क्रिकेटिंग लेजेंड्स का मानना यह है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको आप टीम में लीजिए, यशस्वी जायसवाल से ओपनिंग करवाइए, ऋतुराज गायकवाड़ को लीजिए, रिंकू सिंह को लीजिए, क्रिकेटिंग सेंसेशन जो है रिंकू सिंह उनको अपनी टीम में लीजिए और उन्हें वर्ल्ड कप 2024 के लिए लेके जाइए, T20 वर्ल्ड कप के लिए USA और वेस्ट इंडीज में जो होने वाला है वहां पे लेके जाइए और ये आपको वर्ल्ड कप जिताएंगे। अब आपको क्या लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में हमें ऐसे ही यंगस्टर्स की जरूरत है या हमें अभी भी सीनियर खिलाड़ियों को बैक करना चाहिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज या मोहम्मद शमी, ऐसे हमें जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं सीनियर्स खिलाड़ी हैं KL राहुल, हार्दिक पांड्या, इन्हें बैक करना चाहिए या पूरी यंगस्टर्स टीम भेजनी चाहिए, आप क्रिकेट कंट्री पे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और क्रिकेट कंट्री को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम बननी शुरू हो चुकी है। IPL ये 5 मैचों की सीरीज और इसके बाद जो अफगानिस्तान के साथ T20 सीरीज है और साउथ अफ्रीका के साथ, उन्हीं के मद्देनजर को देखते हुए T20 वर्ल्ड कप की टीम बनने वाली है। आपको क्या लगता है, सीनियर्स या यंगस्टर्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।